हे hey दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटोमेटिक कार्स के बारे में। और मेरे चैनल में इतना डिमांड है एएमटी कार्स को लेके, हमारे सपोर्टर्स पूछ रहे थे कि एएमटी कार्स पे वीडियो बनाओ। मैं आपके रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि जो एएमटी कार्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं मेंटेन करने के लिए। सबको ड्राइविंग प्लेजर नहीं चाहिए, बहुत लोग कार जो है लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के खरीदते हैं, तो उनके लिए एएमटी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट उतना ज्यादा नहीं रहेगा, इनिशियल जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, और उसके साथ साथ आपको बढ़िया माइलेज भी मिलेगा। रैंक टॉप 5 बेस्ट एएमटी कार्स अंडर 10 लाख। बट पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि रैंकिंग के साथ मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन भी करूंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि एक बोनस होगा एंड ऑफ दिस वीडियो जो आपको टॉप 5 लिस्ट के बाद पता चलेगा। तो लेट्स कीप दिस वीडियो शॉर्ट और लेट्स गेट टू द पॉइंट क्विकली। टॉप 5 के लिस्ट में 5th नंबर पे आता है सेलेरियो एंड वैगनार। इन दोनों को हम एक ही पोजिशन में प्लेस करेंगे। सेलेरियो एंड वैगनार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में सोचते हो, माइलेज के बारे में सोचते हो, तो वैगनार और सेलेरियो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों में आपको बढ़िया इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। वैगनार एक बेटर ऑप्शन है सेलेरियो से अगर हम इंजन की बात करें, क्योंकि वैगनार में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, एट द सेम टाइम एट सेलेरियो में आपको एक 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। दोनों इंजन बढ़िया है, दोनों बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि दोनों का माइलेज जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें, यहाँ पर वैगनार थोड़ा सा बेटर लगेगा आपको, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट आर लोअर, बट जो मॉडर्न फील है उसमें आपको लगेगा कि सेलेरियो बेटर है, क्योंकि सेलेरियो बहुत टाइम के बाद रिलीज हुआ आफ्टर वैगनार वॉज लॉन्च। सो इसीलिए हम इसमें 5th नंबर में इस कार को प्लेस करेंगे। बट इसके प्रॉब्लम्स की बात करें तो दोनों कार्स ऑलराउंडर कार्स नहीं है, स्पेशली अगर आप मे बी हाईवे पे चलाना चाहते हो, ये आप नहीं कर सकते हो इस कार में, क्योंकि ना ही आपको स्टेबिलिटी मिलता है, ना ही सेफ्टी मिलता है। जो टिपिकल मारुति के कार्स होते हैं जो बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इस कार में भी आपको बहुत ज़्यादा वो फील होगा, क्योंकि ये बजट कार्स है। अगर नंबर 4th में जो है वो है मेरा पर्सनल फेवरेट कार अंडर 7 लाख के अगर मेरा बजट हो, तो मैं डेफिनेटली इस कार की तरफ जाऊँगा, वो भी AMT के ऑप्शन में, वो है टियागो। टियागो एक ऑलराउंडर कार है, इसका मतलब आप हाईवे पे चलाओ फैमिली के साथ या सिटी में चलाना है, दोनों जगह पे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, बढ़िया कंफर्ट देगा, बिल्ड क्वालिटी इज फैंटास्टिक। इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसके डायनामिक्स। मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ, टाटा जिस पोजीशन में आज बैठा है ना, वो इस कार के वजह से बैठा है। टियागो ने पूरी तरह से टाटा का इमेज चेंज कर दिया था इंडिया में जब ये लॉन्च हुआ था। जितना मेहनत किया ना टाटा वालों ने इस कार को बनाने के लिए, वो आपको इमीडिएटली फील होता है जब आप इस कार को चलाते हो। छोटे से छोटे डिटेल्स आप ऑब्जर्व करोगे इस कार में, जो आपको कोई भी बजट कार में नहीं देगा। इस कार में आपको जो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बढ़िया है, तो आप बेस वेरिएंट लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलता है, और टॉप वेरिएंट लेते हो तो आपको ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हो इस सेगमेंट से। 3rd नंबर पर आता है इग्निस। इग्निस एक बहुत अंडररेटेड कार है मारुति की तरफ से। स्टेबिलिटी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी इज डिसेंट कम्पेयर टू अदर मारुति कार्स। कॉम्पैक्ट सा कार है जो उतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं लगता है, बट एक जगह पे ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, वो है सिटी कंडीशंस में। ये 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता है, हम इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि इनका जो 4 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन है इज ब्रिलियंट, और इनका जो नेक्सा डीलरशिप का सर्विस क्वालिटी है वो अनमैचेबल है। तो अगर आप स्ट्रिक्टली एक सिटी कार लेना चाहते हो, सर्विस के बारे में सोचते हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, स्मूथनेस के बारे में सोचते हो, आपको इग्निस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा। 2nd नंबर पे आता है वन ऑफ द बेस्ट कार्स फ्रॉम मारुति, वो है बलिनो। जो बलिनो है ये एक बहुत बढ़िया कार है, क्योंकि इट डज एवरीथिंग राइट। स्विफ्ट के लॉन्च के बाद लोग बोलने लग गए थे कि बलिनो के सेल्स डाउन हो जाएंगे, बट ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो बलिनो है स्विफ्ट के प्राइस में आपको बेटर स्पेस, प्रीमियम कैबिन, बढ़िया माइलेज और नेक्सा डीलरशिप का एक्सपीरियंस देता है। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये इतना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो पहली बार एक कार ले रहा है, तो इसीलिए बलिनो इस लिस्ट में आता है और 2nd नंबर पर आता है। इसलिए मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट AMT कार्स है। अगर आप एक प्रीमियम AMT कार की तरफ जाना चाहते हो, यू वांट दैट प्रीमियमनेस, कंफर्ट, फीचर्स, और अगर आप सिटी में चलाते हो, आपको लाइट कंट्रोल चाहिए, प्रीमियम फील चाहिए, तो इससे बेहतर AMT कार आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, तो आपको इसके तरफ जरूर जाना चाहिए। तो आज के विनर्स है Hyundai के Exter और i10 Nios। हियर मी आउट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मुझे Hyundai के Exter और Nios बेस्ट AMT कार्स लगते हैं इंडिया में।
एक्सटर और नियोस दोनों सिमिलर कार्स हैं, इन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट जब एनकैप रेटिंग आई है एक्सटर में तब मैं बोलूंगा आपको कि हाँ एक्सटर एक बेटर कार है। बट सिंस एक्सटर का सेफ्टी रेटिंग अनाउंस नहीं हुआ है, मैं i10 नियोस और एक्सटर को दोनों को सेम पोजिशन में प्लेस करूंगा। इनका सबसे बेस्ट पॉइंट है इनके AMT गेयरबॉक्स। एक्सटर में आपको पैडल शिफ्टर्स तक मिलता है, और आप मुझे बताइए कि कौन से ब्रांड आपको पैडल शिफ्टर्स ऑफर करते हैं AMT ट्रांसमिशन में, क्योंकि Hyundai को इतना कॉन्फिडेंस है उनके AMT ट्रांसमिशन पे, क्योंकि उनको पता है कि इनका जो AMT है वो एडवांस्ड है, स्मूथ है और चलाने में बढ़िया लगेगा, तो पैडल शिफ्टर देने पे इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी AMT कार में। इसका जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स यूज़ करता है आपको स्मूथ एक्सपीरियंस ऑफर करने के लिए। तो अगर आप इसको आराम से चलाते हो आपको बिल्कुल हेड नॉड फील नहीं होता है। AMT का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेड नॉड, और ये मैंने फील नहीं किया है Hyundai के कार्स में। सो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए, और मुझे लगता है कि आज के विनर्स हैं Hyundai की ये दोनों कार्स। बट नाउ हमारा टॉप 5 लिस्ट खत्म हो चुका है, बट अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगराइजेशन करने वाला हूँ मैं, द स्मूथेस्ट AMT कार, द मोस्ट प्रीमियम AMT कार, द बेस्ट कॉम्पैक्ट AMT कार, एंड बेस्ट ऑलराउंडर AMT कार, एंड बेस्ट बजट AMT कार फॉर सिटी। पहले कैटेगरी में आता है द स्मूथेस्ट AMT कार, अगर आप माइलेज के बारे में नहीं सोचते हो। अगर आपको स्मूथनेस चाहिए AMT में और आप माइलेज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हो, तो आप एक्सटर की तरफ जाओ या नियोस की तरफ जाओ, ये आपको बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि क्यों मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया AMT गेयरबॉक्स है कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड। अभी नेक्स्ट कैटेगरी आता है द मोस्ट प्रीमियम AMT कार, मोस्ट स्पेशियस AMT कार विद माइलेज के बारे में भी आप सोचते हो वो भी मिलेगा आपको इस कार में, वो है बलिनो, क्लियर विनर, क्योंकि जो प्रीमियमनेस आपको इस कार में मिलता है वो कोई भी कार ऑफर नहीं करता है। अंदर जब आप बैठते हो इंटीरियर का क्वालिटी, डिज़ाइन और फीचर्स आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेगा। अगर आपका बजट में भी 10 लाख के ऊपर भी है और आपको AMT कार ही लेना है तो बलिनो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इनफैक्ट आप और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपको फ्रॉन्ग्स भी मिलेगा। बेस्ट कॉम्पैक्ट सिटी AMT कार इज इग्निस। इग्निस बहुत बढ़िया कार है, अगर आप स्मूथनेस की बात करते हो, माइलेज के बारे में बात करते हो, इसमें आपको हेड नॉट फील होगा, ये Hyundai के गेयरबॉक्स से जितने स्मूथ नहीं है, बट इसमें एक बैलेंस है एफिशिएंसी और स्मूथनेस का जो कोई भी ब्रांड मैच नहीं कर सकता है। एंड डोंट फॉरगेट कि जो Ignis है वो Nexa में मिलता है, तो Nexa का जो एक्सपीरियंस होता है सर्विस का वो बहुत अलग होता है कंपेयर टू नॉर्मल मारुति डीलरशिप। तो इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि Ignis एक बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट AMT कार है, इनफैक्ट आज के लिस्ट में टॉप में आता है। द बेस्ट ऑलराउंडर कार AMT गेयरबॉक्स की अगर हम बात करें वो है टाटा टियागो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, देर इज नो कंपेरिजन टू दिस कार। अगर आप इसको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बात करते हो, आपको हाईवे में चलाना रहता है, मे बी आप हफ्ते में दो बार वीकेंड ड्राइव्स करते हो, रोज आपका कम्यूट करना रहता है सिटी में, माइलेज आपको ठीक मिलेगा, कंफर्ट लेवल्स बहुत अच्छा है, स्पेशियस कार है, प्रीमियम कार है, कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा आपको टिल यू रीच द सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा, बट सर्विस सेंटर एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आप कंटिन्यूसली बैठते हो। तो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हो कि इनका सर्विस क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, देन डेफिनेटली आपको ये कार वन ऑफ द बेस्ट लगेगा आज के लिस्ट में, और मे बी आज के लिस्ट में ये विनर भी हो सकता था। बट सबके प्रेफरेंसेस और नीड्स अलग होते हैं, बहुत लोग सर्विस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको कंसिडर करना चाहिए। बट कीपिंग दैट असाइड, आज के जितने भी कार्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट कार टियागो है। इट्स जस्ट दैट थोड़े से पॉइंट्स ये लूज करता है, सो आई डोंट वांट टू डिग डीप इनटू इट। आप टियागो के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे रिव्यूज़ आपको चैनल में मिलेंगे, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बी पार्ट ऑफ द फैमिली, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे। द लास्ट कैटेगरी वो है बेस्ट बजट सिटी कार AMT गेयरबॉक्स, एंड दैट इज़ सेलेरियो एंड वैगनार विदाउट अ डाउट। अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में सोचते हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, रीसेल के बारे में सोचते हो, एंड यू वांट अ ग्रेट सिटी कार, आई थिंक वैगनार और सेलेरियो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वैगनार आपको बेटर हेडरूम देगा, स्पेशियस फील देता है, इनफैक्ट चलाने में मेरे को लगता है कि वैगनार बेटर, इवन सस्पेंशन वैगनार का सेलेरियो से मोर कम्फर्टेबल है सिटी ड्राइव्स पे।
सेलेरियो थोड़ा सा स्टेबल लगता है कंपेयर टू वैगनआर ऑन हाईवेज, बट बात यह है ना, दोनों कार्स आपको हाईवे पे बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि ये सेफ्टी में जीरो है। सेलेरियो जो है आपको मॉडर्न लगेगा, वैगनआर थोड़ा आउटडेटेड लगता है। अगर आप यूथफुल कार लेना चाहते हो, यू आर अ यंग बायर, देन यू कैन गो फॉर सेलेरियो। इस तरह से मैं इसको कैटेगराइज करूंगा। अगर आपको लगता है मैंने कोई कैटेगरी में यहाँ पे कोई कार को मिस किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप किसी पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियंस बता सकते हो। बहुत अच्छा लगेगा आपके ओपिनियंस को जानकर। फिर से मिलेंगे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट। बाय बाय।